हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिता सोनी, स्वागत है आपका अपने चैनल अनि कुकिंग टिप्स में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही टेस्टी चटपटी चिली पनीर की रेसिपी। चिली पनीर खाना हम सभी को बहुत पसंद होता है। अगर आप घर बैठे बाहर की कोई टेस्टी सी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें अनि कुकिंग टिप्स को। और हाँ दोस्तों, अगर आपको चाइनीज खाना पसंद है तो आई बटन में जाकर मेरे चाउमीन का वीडियो आप जरूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। तो हम चिली पनीर बनाना स्टार्ट करते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल सुपर टेस्टी चिली पनीर बनाने के लिए हमने लिया है पनीर। ये 300 ग्राम फ्रेश पनीर है, इसे मैंने मीडियम साइज में कट कर लिया है। एक शिमला मिर्च लिया है, इसे मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। दो प्याज लिए हैं, इसे हमने मीडियम साइज में कट कर लिया है। थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन, दो तीन हरी मिर्च लिए हैं, एक चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक लिया है और एक चम्मच ग्रेट किया हुआ लहसुन लिया है। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम डालेंगे दो चम्मच कॉर्नफ्लोर, एक चम्मच हम लेंगे मैदा, इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे पनीर, पनीर डालने के बाद हम इसमें एक चम्मच कॉर्नफ्लोर और डालेंगे, इससे ये कॉर्नफ्लोर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आधा चम्मच नमक डालेंगे, एक चम्मच हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे, तो ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और ये तीखा कम होता है। अब इसे हम हल्का सा टोस्ट करेंगे। अब इसे हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। पनीर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये देखिए चारों तरफ से पनीर की अच्छे से कोटिंग हो गई है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें पनीर को किसी बैटर या घोल में डुबोकर नहीं बनाना है, इससे चिल्ली पनीर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो अब हम पनीर को फ्राई करेंगे। पनीर को फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पनीर को हमें डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करना है, पनीर को हम शैलो फ्राई करेंगे, इससे पनीर ज़्यादा क्रिस्पी रहेगा और लंबे समय तक क्रिस्पी बना रहेगा। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, गैस की फ्लेम को हम मीडियम करेंगे और पनीर को अब हम शैलो फ्राई करेंगे। पनीर नीचे से फ्राई हो गया है, इसे अब हम पलट कर दूसरी तरफ से भी फ्राई करेंगे। ये देखिए एक भी पनीर चिपका नहीं है कढ़ाई में। पनीर चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गया है, कितनी अच्छी क्रिस्पी लेयर पनीर पर आ गई है। अब हम पनीर को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए एकदम क्रिस्पी पनीर बनकर तैयार हुआ है, ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। चिली पनीर बनाने के लिए अब हम तेल गर्म करेंगे। जिस तेल में हमने पनीर फ्राई किया था उसी में अब हम चिली पनीर बनाएंगे। चिली पनीर बनाने के लिए हमें दो चम्मच तेल की ही जरूरत है, तो ये एक्स्ट्रा तेल हम इसमें से निकाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम हाई करेंगे और तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, सभी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे। इसे हमें एक दो सेकंड के लिए ही फ्राई करना है, जिससे लहसुन का कच्चापन निकल जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, अब इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च। गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है और ये प्रोसेस हमें फटाफट से करना है। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच नमक। तो ये हमें ध्यान रखना है कि नमक हमने पहले भी पनीर में भी डाला है और जो सॉसेज डालेंगे उसमें भी नमक होता है, तो नमक हम इसमें कम ही डालेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे सोया सॉस, ये एक चम्मच सोया सॉस लिया है। एक चम्मच हम इसमें डालेंगे रेड चिल्ली सॉस, दो चम्मच हम इसमें डालेंगे टमाटो केचप, आधा चम्मच हम इसमें विनीगर डालेंगे। विनीगर डालना इसमें ऑप्शनल है, क्योंकि जो सॉसेस हमने डाली है उसमें सभी में विनीगर होता है। सभी चीज़ों को हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे, इससे सब्जियों में इनका क्रंच बना रहेगा। ये हमने लिया है एक चम्मच कश्मीरी मिर्च, इसमें हम दो चम्मच पानी ऐड करेंगे और इसका एक घोल बना लेंगे।
कश्मीरी मिर्च इसमें आप जरूर ऐड करें, इससे बहुत अच्छा कलर और फ्लेवर आता है। ये हमने लिया है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, इसमें हम 3-4 चम्मच पानी ऐड करेंगे और इसका एक पतला घोल बना लेंगे। अब हम इसमें कश्मीरी मिर्च का जो हमने पेस्ट बनाया था वो डालेंगे, इसे भी हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर, तो कॉर्नफ्लोर को हम एक बार अच्छे से चला लेंगे क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है। कॉर्नफ्लोर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे। सब चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, ये देखिए कितना अच्छा सा कलर इस पे आया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पनीर। पनीर ऐड करके इसे हमने 1-2 बार के लिए ही चलाना है, ज्यादा देर के लिए इसे हम नहीं चलाएंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट क्रिस्पी चिल्ली पनीर बनकर तैयार है। अब इसे हम स्प्रिंग अनियन से गार्निश करेंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट चिल्ली पनीर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार है। तो बताइए फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी? आप एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।